अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एच पी होम किचन। आज हम बनाने वाले हैं प्राउन्स पोटैटो कड़ी। बहुत इजी है इसे बनाना, घर पे आराम से बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। 400 ग्राम्स जो है वो प्रॉन्स ले लिया है, ये टाइगर प्रॉन्स है। अब हम इसकी स्किन जो है वो साफ़ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इसे साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से नमक से मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। देखिए ये कितना साफ़ हो गया है। अब हम इसकी कड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा नारियल लिया है, गीला नारियल, और यहाँ पर मैंने आधी मुट्ठी धनिया लिया है, 4 से 5 हरी मिर्ची ली है और 6-7 लहसुन की कलियाँ ली है। अब हम इन सभी चीज़ों को ग्राइंडर जार में ऐड कर देंगे। साथ ही में मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर खसखस ली है और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई मसाले लिए हैं और 2 टमाटर लिए हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, और कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है यहाँ पर मैंने कलर के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है, इस तरह से फ़ाइन पेस्ट बनाना है इसका। अब ये ड्राई मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही में टमाटर को भी मैंने इसमें कट करके ऐड कर दिया है। इसे पीस के हम इसका फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर पतीली में मैंने 3 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिए हैं। इसमें हम 10 से 12 कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे। कड़ी पत्ते हमारे थोड़े से क्रैक्स हो जाएं तब हम इसमें जो हमने मसाला तैयार किया है पीस के वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह भुनेंगे। हमें इसे अच्छी तरह भुनना है। देखिए यहाँ पर मैं इसे 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनूंगी। अब यहाँ पर मैंने मिक्सर जार में आधा ग्लास पानी ऐड किया है और इसे खंगाल कर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करके हम इसे भूनेंगे। अब हम इसमें जो है वो कोकम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 से 5 कोकम ले लिए हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। इससे जो है सालन का टेस्ट जो है वो बहुत इन्हांस हो जाता है। आप फिश करी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे झाँक देंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें जो हमारे झींगा है, प्रॉन्स और आलू जो है वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखिए हम इसे झाँक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह भुन गया है, ऑयल जो है वो सरफेस पे आ गया है। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह भुन गया है, दानेदार मसाला हो गया है। इसी तरह से भुनना है हमें। और अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा ग्लास पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको कड़ी थोड़ी और पतली चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम जो है कड़ी को बॉईल आने देंगे। देखिए हमारे सालन में बॉईल आ गया है। अब हम इसे झाँक के 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। 2 मिनट बाद देखिए हमारा जो सालन है वो रेडी है। अब जो फ्लेम है हम वो बंद कर देंगे। देखिए ऊपर सरफेस पे तगर आ गया है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। आई होप आपको मेरे प्रॉन्स पोटैटो कड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं आप तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।